2 सितंबर को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिलेगा और इसके साथ ही नेवी का निशान यानी झंडा भी बदल जाएगा। नया झंडा ब्रिटिश शासन के प्रतीक से पूरी तरह से मुक्त और आजाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि वो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। अब 2 सितंबर शुक्रवार यानी कल भारतीय नौसेना के ध्वज में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के नए ध्वज का अनावरण कोची में करेंगे। जिस बड़ी कामयाबी का जिक्र मोदी जी करते हैं, लाल इंडिया गेट से मूर्ति हटाने वाला, उसकी शुरुआत भी डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हुई थी। तो ये जो बीजेपी आज जिनके लिए इस देश के साथ गद्दारी करके है, जिसका साथ दे रही थी, आज उसका बता रहे कि हम उसके निशाने मिटा रहे हैं। नवाचार और इनोवेशन के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक नई पहचान देने में, विश्व पटल में एक नई पहचान देने में सदैव कामयाब रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद गुलामी की छाप मिटाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। नौसेना के वर्तमान ध्वज पर सेंट जॉर्ज क्रॉस की आकृति नजर आती है। नौसेना ध्वज के कैंटन में सेंट जॉर्ज क्रॉस का स्थान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ले लेगा। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने LCA मार्क 2 फाइटर प्लेन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये विमान अगले साल पहली उड़ान भर सकते हैं। स्वदेश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की कामयाबी के बाद अब उससे कहीं ज्यादा उन्नत LCA मार्क 2 के प्रोडक्शन को CCE यानी सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है। LCA मार्क 2 जैगुआर, मिराज और मिग जैसे विमानों की जगह लेगा। माना जा रहा है कि LCA मार्क 2 का उत्पादन देश में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने का रास्ता खोलेगा। तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप के निर्माण, इसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए 6500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये इससे पहले मंजूर 2500 करोड़ के अलावा होगा। तेजस मार्क 2 में ज्यादा ताकतवर GE414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे तेजस मार्क 2 की लड़ाकू क्षमता तो बढ़ेगी ही, ये ज्यादा बारूद ले जाने में भी सक्षम होगा। डिसीजन इज अ ट्रेमेंडस बूस्ट टू द इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इट विल डेफिनेटली फर्दर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन द डोमेन ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। आई वुड हेसन टू ऐड हियर दैट इन द व्यू ऑफ द रैपिडली डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ ऑफ फाइटर स्क्वाड्रन्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स,